हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीजल अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम डीजल आवेदन का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है का पूरा प्रोसेस आपके सामने फिल करके बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कहीं भी कोई भी कटिंग नहीं करेंगे, जिससे आप बिल्कुल आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और आपका डीजल आवेदन का पैसा नहीं आया है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो क्या कारण है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप हर प्रोसेस के बारे में जान सके, ताकि आपका आवेदन का पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। दोस्तों, इसके लिए आपको dvtagriculturebihar.gov.in के वेबसाइट पे आना होगा, और जैसे ही आपके सामने वेबसाइट खुलेगा, आपका वेबसाइट देखने में कुछ इस तरह का नजर आएगा। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और अपने फसलों को सिंचाई करने के लिए डीजल क्रय करते हैं, तो फ्रेंड्स, आप उस डीजल क्रय पर सब्सिडी भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, जब भी आप पेट्रोल पंप से डीजल क्रय करें, तो उसका एक रिसीविंग भी ले ले डीजल का पुर्जा, जो देखने में कुछ इस तरह का होता है। दोस्तों, डीजल का पुर्जा जो होता है, पर्ची जो होता है, दो प्रकार का होता है, एक हाथ से कटा हुआ और एक कंप्यूटर से कटा हुआ। तो यहाँ आवेदन के लिए आपको इसी प्रकार का कंप्यूटराइज आपका रिसीविंग होना चाहिए, डीजल का पर्ची होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। हाथ से लिखा हुआ पर्ची यहाँ पे मान्य नहीं है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप इस साइड पे आ जाते हैं, आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डीजल अनुदान रवि। दोस्तों, आप रवि फसल के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आवेदन करे पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे कुछ डिटेल बताया गया है। आपको करना क्या है, यहाँ से डीजल अनुदान आवेदन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ पे वो डेट डालना है जिस डेट में आपने अपने खेतों में पटवन किया है, और वो डेट डालने के बाद आपके खेत के बगल में जो किसान है उनका नाम यहाँ पे डालना है, और उसके बाद दूसरे किसान का नाम यहाँ पे डालना है। जैसे फ्रेंड्स, यदि आपका ये खेत है तो इसके चारों बगल किसी न किसी आदमी का एक खेत होगा, आपके खेत के चारों बगल किसी न किसी एक आदमी का जमीन होगा। आपको यहाँ से इस दोनों बॉक्स में किसी दो किसान का नाम इंटर करना है जो आपके खेत के बगल में है, और उस दोनों किसान का जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देना है, और उस दोनों किसान से दस्तखत यहाँ पे करवा लेना है, हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेना है, और आपका हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है। दोस्तों, इस फॉर्म को अपलोड नहीं करना है, केवल इस फॉर्म को उसके साथ अटैच करना है। तो चलिए क्या करेंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसे कट कर देते हैं और चलते हैं आगे प्रोसेस की ओर। आपको यहाँ पे वो सारा काम करने के बाद यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक करना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करना है। सर्च बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, सर्च बटन पर क्लिक करने के साथ आपका सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे मौसम में आपको रवि सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी रवि फसल के अंतर्गत आवेदन हो रहा है। फसल में आप गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जी, औषधीय पौधे में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे मक्का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंचाई, पहला सिंचाई कर रहे हैं तो हम एक, दूसरा सिंचाई कर रहे हैं तो दो, तीसरा सिंचाई कर रहे हैं तो तीन सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, दो या फिर तीन, जो मर्जी आए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम दूसरा सिंचाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दो सिलेक्ट करेंगे। हमने अभी तक एक भी आवेदन नहीं किया है इससे पहले, इसलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है। जब हम एक बार आवेदन कर देंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, और दूसरा बार आवेदन करेंगे तो यहाँ दो आ जाएगा। आप जो है मक्का के लिए तीन बार अधिकतम आवेदन कर सकते हैं और तीन बार सब्सिडी का पैसा ले सकते हैं।
यहाँ पे किसान का प्रकार में हम स्वयं सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपका टोटल जमीन कितना है वो सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास अभी जो जमीन है वो है 1 एकड़ 38 डिसमिल और एक है 54 डिसमिल, तो हम यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे और जो उसका योग आएगा वो यहाँ पे डाल देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया 192, तो हम यहाँ 192 डिसमिल लिख दिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इस वाले बॉक्स में आपको जो है डिटेल डालना होगा रसीद का खाता नंबर यहाँ, रसीद का खेसरा नंबर यहाँ, रसीद का थाना नंबर यहाँ, आपका रसीद का टोटल रकबा जितना है उतना डिसमिल जो है यहाँ पे एंटर करना होगा, और आपके खेत के बगल के किसान का नाम यहाँ पे डालना होगा। यदि आपके पास एक ही रसीद है तो आप सारा डिटेल यहाँ पे डाल दें और यहाँ एड अ न्यू रो पर क्लिक ना करें। आपके पास यदि 2 रसीद है तो सारा डिटेल डाल दे और यहाँ पर एड अ न्यू रो पर क्लिक करें, और आपके सामने फिर से ऐसा बॉक्स खुल के एक और आ जाएगा और उसमें दूसरा रसीद का डिटेल डाल दे। सारा चीज डाल देने के बाद जो है यहाँ पे कुल रकबा डिसमिल में यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, और आपने कितना रुपया का डीजल खरीदा है उतना रुपया यहाँ पे एंटर कर दीजिए, किस डेट में डीजल खरीदे हैं और डीजल के पर्ची पर क्या डीजल का पर्ची नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दें। दोस्तों डीजल का पर्ची जो होता है 2 प्रकार का होता है, फिर से आपको बता दें कि यदि आप सिंचाई के लिए डीजल परचेज करते हैं तो यहाँ व्हीकल नंबर जो है नॉट इंटर्ड लिखा रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप डीजल सिंचाई हेतु प्रयोग कर रहे हैं तो व्हीकल नंबर यहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सिंचाई करने के लिए आवेदन कर रहे हैं और किसी गाड़ी वाले से या फिर किसी बस ट्रक वाले से आप डीजल का पुर्जा ले लें। दोस्तों उनके पुर्जा में जो है देखिएगा तो व्हीकल नंबर जो है उस गाड़ी का नंबर डाला हुआ रहता है, और वो पुर्जा यहाँ पे वैध नहीं है, उस पुर्जा से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्हीकल नंबर ध्यान दें नॉट इंटर ही होना चाहिए। और उसके बाद बिल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है रसीद का, आपको ये बिल नंबर जो है यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए जान लेते हैं कहाँ पे फिलअप करना है। तो ये है फॉर्म मेरा, तो यहाँ पे जो है आपको वो बिल नंबर यहाँ पे फिलअप करने के बाद एक कोमा देने के बाद यहाँ पर जिस डेट में आपने पर्ची कटाया है डीजल का वो डेट यहाँ पे एंटर करना होगा, और जिस पेट्रोल पंप से आप डीजल लिए हैं उस पेट्रोल पंप का डिटेल यहाँ पे डालना होगा, प्रखंड को यहाँ पे डालना होगा, प्रखंड का नाम यहाँ पे डालना होगा, और वो जो पर्ची है जो आप पर्ची यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पर्ची जो है इसे जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, और यहाँ पे आपका जितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा वो रुपया यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ आई एग्री वाले बटन पर यहाँ पे टिक लगा देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट हम अपना सारा डिटेल को फिलअप कर लेते हैं ताकि आप देख पाएं कि हम कैसे आवेदन करते हैं। तो हमने यहाँ सारा डिटेल यहाँ तक आ चुका है मेरा, और हमें यहाँ से फिलअप करना है। तो हम रबी सिलेक्ट कर लिए, मक्का सिलेक्ट कर लिए, सिंचाई की कुल संख्या 2 सिलेक्ट कर लिए, हमारा किसान प्रकार स्वयं खुद का जमीन है, हमने जमीन का रकबा यहाँ पे एंटर कर दिया है, और यहाँ पे हम रसीद का डिटेल एंटर कर देते हैं। एक रसीद है मेरा 138 डिसमिल का, और इसका खेसरा नंबर जो है सो है 481। दोस्तों यदि आपके रसीद में 5-6 खेसरा नंबर है तो कोई एक डाल दें। थाना नंबर जो है ये है मेरा 213, रकबा है मेरा जो है रसीद है 138 डिसमिल का, तो हम 138 डिसमिल यहाँ पे एंटर कर दिए। बगल के किसान का नाम जो है सो है रामबिलास सिंह, तो हम यहाँ पे रामबिलास सिंह डाल देंगे, तो हमारा ऊपर में ही लिखा हुआ मिल गया। और यहाँ जो है हम लिख देंगे किसी एक किसान का नाम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रामकिशुन सिंह, तो हम यहाँ पे रामकिशुन सिंह लिख दिए। एड अ न्यू रो पर क्लिक करेंगे क्योंकि मेरे पास जो है 2 जमीन का रसीद है, और फिर से यहाँ पे हम उस जमीन का दूसरे वाले जमीन का खाता संख्या एंटर करेंगे, तो है ये 302। दोस्तों यहाँ पे जमीन का डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ एड अ न्यू रो पर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास तीसरा रसीद नहीं है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो है रकबा 192 डिसमिल आ चुका है, और यहाँ पे
क्रय किए गए डीजल का मूल्य एंटर करना है। हमने जो डीजल परचेज किया है उसका पुर्जा आप देख पा रहे हैं ये है, और इसका जो है क्रय वैल्यू यानी पुर्जा जो है 2599 रुपया का है, तो हम यहाँ पे 2599 एंटर कर देंगे। और यहाँ पे रसीद संख्या एवं जिस डेट में हमने डीजल खरीदा था उस डेट को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मेरा रसीद संख्या है 163834, तो हम वहाँ पे एंटर कर दिए और एक कोमा लगा देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे 22/2/2019। हमने रसीद संख्या और डेट भी लिख दिया, पेट्रोल पंप का नाम है मेरा, जो भी नाम होगा वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हम प्रखंड का नाम एंटर कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और वो जो रसीद है उसे हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल अनुदेय राशि जो है 1920 रुपया है, तो मतलब हमें इतना रुपया सब्सिडी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो परचेज किए हैं डीजल वो खरीदे हैं मात्र 2599 रुपया का, और हमें यहाँ पे 1900 रुपया सब्सिडी के रूप में ही मिल रहा है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे ये आ जाता है जहाँ पे बताया जाता है आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। दोस्तों, यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म जो है कट जाएगा और आपका रिसीविंग डाउनलोड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं इसका प्रिंट निकालने के लिए। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक एरर मैसेज शो हो चुका है और हमारा रिसीविंग जो है डाउनलोड नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आपको आना है डीजल अनुदान आवेदन प्रिंट पर। आपको फ्रेंड्स इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कर देते हैं आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको रवि सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना किसान पंजीकरण संख्या जो है एंटर करना है। जैसे ही अपना किसान पंजीकरण संख्या एंटर कर देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ सर्च बटन पर क्लिक कर दें। सर्च बटन पर क्लिक करने के साथ आपके सामने आपका रिसीविंग यहाँ पे आ जाएगा। इसे प्रिंट करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो है रिसीविंग यहाँ पे आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो है रिसीविंग यहाँ पे आ चुका है। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे और अपने प्रिंटर में लाइन देने के बाद इस प्रिंट आउट को बाहर करेंगे। देख रहे हैं हमने जो अभी तुरंत आवेदन किया है उसका ये रिसीविंग है। दोस्तों, आपको करना क्या है, इस रिसीविंग को निकाल देने के बाद इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स संलग्न करना है और इसमें क्या करना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस रिसीविंग के नीचे आपको यहाँ पे साइन कर लेना है और इसके साथ जो आप दो जमीन का रसीद दिए थे उसको भी अटैचमेंट करना है। साथ में ये जो है किसान रजिस्ट्रेशन जो करवाए थे उसका एक रिसीविंग जो है उसको भी यहाँ पे फोटो कॉपी लगा देना है और इसके नीचे यहाँ पे साइन कर देना है। और दोनों जमीन का जो रसीद जो है इसके साथ अटैच किए हैं वो जमीन का रसीद यहाँ पे लगा देने के बाद यहाँ पे जो है साइन कर देना है, और दूसरा वाला जमीन को भी अटैच करने के बाद नीचे साइन करना है। और ये जो है बगल के किसान का हस्ताक्षर है, तो जिस डेट में जो है आप सिंचाई किए हैं वो डेट आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और बगल के किसान का नाम यहाँ पे एंटर करने के बाद उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करने सिग्नेचर करने के बाद यहाँ आप अपना जो है सिग्नेचर कर दे, और उसके बाद इस जो है सभी पेज को जो है आप पिनअप कर दे। पिनअप करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो है ऊपर में आप देख पा रहे हैं ये डीजल का रिसीविंग है, डीजल का जो है ये पर्ची है, इसके साथ इसको लगा देने के बाद फॉर्म को साथ सभी डॉक्यूमेंट्स लगा देने के बाद फ्रेंड्स, इस जो है पूरा फॉर्म को जो है आपको अपने किसान सलाहकार के पास जमा कर देना है। फ्रेंड्स, यदि इस डॉक्यूमेंट्स को आप किसान सलाहकार के पास जमा नहीं करेंगे तो आपका जो है पैसा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बड़े आसानी से जो है आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और डीजल अनुदान का जो है लाभ ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।